चलिए एक बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। खंडवा लोकसभा सीट समेत 3 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो इंतजार खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो जोबट पृथ्वीपुर रेगांव सीट पर उपचुनाव होना है, साथ ही खंडवा लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है जिसकी तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो बता दें उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। काफी लंबे इंतजार के बाद तारीखों का ऐलान हुआ है। खंडवा लोकसभा सीट समेत 3 विधानसभा सीटों यानी जोबट पृथ्वीपुर और रेगांव सीट पर उपचुनाव होने हैं और इसी के चलते तारीखों का ऐलान भी अब हो चुका है। 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को नतीजे सामने होंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है और मध्य प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये बाई इलेक्शन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तैयारियों में लगी है और कांग्रेस भी सामने जिस तरह से बीजेपी की तैयारी है उस तरह से जरूर कांग्रेस की तैयारी नजर नहीं आती है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरह से डटी हुई है। तो खंडवा लोकसभा उपचुनाव के साथ साथ जो 2 विधानसभा सीटें हैं उनके लिए ये तैयारी अब मध्य प्रदेश में हमें राजनीतिक गतिविधियां और तेज देखने को मिलेंगी। और कांग्रेस और बीजेपी जो चिर परिचित प्रतिद्वंद्वी हैं मध्य प्रदेश में, इनके बीच में एक और मजबूत जंग हमें देखने को मिलेगी और दोनों ही पार्टियों के लिए ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दमोह की जो पराजय है बीजेपी उसको भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहेगी और कांग्रेस दमोह की सफलता को ये मानकर कि वो फिर आगे बढ़कर बीजेपी को चौंका सकती है वो कोशिश करेगी। अब काफी तेज राजनीतिक गतिविधियां होंगी, त्योहार के पहले दिवाली के ठीक पहले ये चुनाव हो रहे हैं और नतीजे जो हैं ये पिछले साल हुए बाय इलेक्शंस की हमको फिर उसी स्मृति में ले जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों में पिछले साल भी चुनाव और नतीजे सामने आए थे। तो काफी दिलचस्प है चुनावी रण शुभांगी और निगाह रखनी होगी इस पर। बिल्कुल शरद जी, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खंडवा लोकसभा सीट जो कि काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है और दोनों ही पार्टियां उपचुनाव की तैयारियों में पहले से ही जुटी हुई थी और अब चुनाव की तैयारियां और तेज हो जाएंगी क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 2 नवंबर को नतीजे सामने होंगे। बता दें 11 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे जितने भी प्रत्याशी होंगे और 13 अक्टूबर को नाम वापसी और 30 अक्टूबर को मतदान होगा। तो आपको बता दें खंडवा लोकसभा सीट और जोबट पृथ्वीपुर रेगांव 3 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और अब देखना होगा कि इस बार क्या कुछ नया इन चुनाव में देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से दमोह में हार देखने के बाद बीजेपी ने तैयारियां और तेज कर दी हैं, दोनों ही पार्टियां लगातार जनता तक जा रही हैं, जनता से बातचीत कर रही हैं, संवाद कर रही हैं। और जिस तरह से खंडवा लोकसभा सीट की अगर हम बात करें, खंडवा लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ऐसे में ये चुनाव काफी दिलचस्प होगा। तो इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, खंडवा लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण सीट और इसके लिए लगातार तैयारियां दोनों पार्टियां कर रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आज चुनाव की तारीख तय हो गई है और जिन तारीख सामने दिखाई दे रही तो मुझे लगता है कि अब बड़ी तेजी से चुनाव प्रचार की तरफ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव मैदान में दिखाई दे रही। बीडी शर्मा या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की बात करें तो उस तमाम जगह, या जनदर्शन की बात करें, या बीडी शर्मा जी को हमने देखा छतरपुर, सतना, वहां की जहां जहां रेगांव चुनाव होना है, पृथ्वीपुर चुनाव होना है, तो तमाम सीटों पर पहुंचे। लेकिन खंडवा बहुत ही दिलचस्प सीट है क्योंकि लगातार यहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही। एक बार यदि छोड़ दिया जाए, जब अरुण यादव वहां से चुनाव जीते और केंद्र सरकार में मंत्री भी बने थे वो, लेकिन बाद में अब ये सीट खाली हुई है और इस पर नजर बीजेपी कांग्रेस दोनों की है।
बहुत ही दिलचस्प इसलिए भी है कि लगभग यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस से यहाँ फिर एक बार अरुण यादव चुनाव मैदान में होंगे और भारतीय जनता पार्टी से कौन होगा, क्योंकि कई नाम सामने हैं। चाहे अर्चना चिटनी जी की बात करें जो लगातार फील्ड में मेहनत कर रही है, या हम बात करें हर्ष की जो नंद कुमार चौहान साहब स्वर्गीय सांसद जी के बेटे हैं उनकी बात करें, ऐसे तमाम नाम, कृष्ण मुरारी मोघे का नाम भी चला, कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम भी चला, लेकिन अब देखना होगा कि तय करना होगा कि किसको वहां से सीट मिलती है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सीट होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा शिवांगी जी, धन्यवाद मनोज जी तमाम बातचीत के लिए। तो खंडवा लोकसभा सीट की अगर हम बात करें, काफी दिलचस्प इस सीट को माना जा रहा, देखना होगा कि कौन से वो नाम होंगे जो इस पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी किसको प्रत्याशी के रूप में उतारेगी ये भी एक बड़ा सवाल है। देखना होगा कि खंडवा लोकसभा सीट पर किसकी जीत होती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इस सीट के लिए लगातार तैयारियों में जुटी हुई हैं, दोनों ही पार्टियां मेहनत कर रही हैं और अब उपचुनाव की तारीख आने के बाद तैयारियां और तेज हो जाएंगी। देखना होगा कि इस बार का चुनाव कितना दिलचस्प होता है। तो खंडवा लोकसभा सीट समेत 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 30 अक्टूबर की तारीख सामने आई है मतदान के लिए और 2 नवंबर को नतीजे सामने होंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद जी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे, कितनी तैयार है आपकी पार्टी? बिल्कुल, ये जो 3 विधानसभा चुनाव और जो 1 लोकसभा चुनाव पर होंगे, ये तीनों ही चुनाव दुखद घटनाओं के कारण हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये घटनाएं घटी उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी की नजर इन सीटों पर है और वैसे भी इसमें से 3 विधानसभाओं में से 2 विधानसभा जो परंपरागत सीट कांग्रेस पार्टी की लगातार रही है और दोनों सीटों पर लगातार कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल की है। तीसरी विधानसभा का समावेश करते हुए पिछले कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार के 15 महीने के कार्यकाल में जनता के बीचों में किसान और मजदूरों के लिए काम किया और जिस प्रकार से कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कामों को जनता ने नकारा और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं हो पाई, उसका पूरा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और निश्चित तौर पर तीनों विधानसभा के साथ खंडवा जैसी महत्वपूर्ण लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस विजय होगी। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं सैयद जी कि जिस तरह से आपने समझाया है पूरी रणनीति, किस तरह से आप लोगों की तैयारी है, कांग्रेस पार्टी की तैयारी है, देखना होगा कि चुनाव के नतीजों में क्या कुछ सामने आता है। खंडवा लोकसभा सीट क्योंकि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बहुत धन्यवाद सैयद जाफर जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से कांग्रेस की तैयारियों के बारे में उनके प्रवक्ता ने बताया है, 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और जिस तरह से सीटों के बारे में उन्होंने बताया है कि 2 विधानसभा सीटें पहले ही कांग्रेस इस पर जीत हासिल कर चुकी है। रही बात लोकसभा सीट जो कि खंडवा सीट है, उसके लिए लगातार वो कह रहे हैं प्रयास किए जा रहे हैं, जनता तक बातचीत है और जनता समझती है कि कौन सी पार्टी कितना काम कर रही है। तो देखना होगा कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव कितने दिलचस्प होते हैं, क्या कुछ तैयारियां दोनों पार्टियां करती हैं और मतदान के बाद ये भी साफ हो जाएगा 2 नवंबर को कि किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं। तो 11 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया जाएगा, 13 अक्टूबर को नाम वापसी के लिए आखिरी तारीख दी जाएगी और उसके बाद 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को मतगणना होगी, जिसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट्स सामने होंगे। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी नेता दीपक विजयवर्गीय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद, नमस्कार जी। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। संगठनात्मक रूप से हम देखें तो हर क्षेत्र में हमने प्रभारी पहले बना चुके हैं, हर क्षेत्र में बूथ तक की बैठकें हो चुकी है, बूथ तक की पूरी संरचना चुनाव के लिए तैयार है। पिछले 2-3-4 महीनों वर्षों का जो घटनाक्रम है, 15 महीने के कमलनाथ जी की सरकार भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखी है, तो लोगों को मालूम है कांग्रेस किस तरह से अराजकता बढ़ाती है, भ्रष्टाचार बढ़ाती है और भारतीय जनता पार्टी शासन के लिए काम करती है। तो ये सारी चीजें सामने हैं और निश्चित तौर पर हम चारों सीटें जीतेंगे, हमका पूरा भरोसा है जी। दीपक जी, लेकिन अभी सैयद जाफर जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए, 2 विधानसभा सीटों पर पहले ही कांग्रेस जीत हासिल कर चुकी है, तो वो उनकी ही सीटें वो मान रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए वो सारी गलतियां मध्य प्रदेश की जनता ठीक कर लेगी, जो 2018 के चुनाव में गलतियां हुई थी जनता की तरफ से, जनता हर क्षेत्र में आप जाकर फीडबैक लेंगी तो आप समझ पाएंगे कि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के पूरी तरह एक्सपोज जाने के बाद
अब 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और एक बार फिर चारों सीटें बहुत अच्छे मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बिल्कुल दीपक जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, तैयारियों की अगर हम बात करें, कितनी तैयार है बीजेपी, किस तरह से अब कैंपेनिंग की जाएगी उपचुनाव की तैयारियों में, क्योंकि पहले से ही पार्टी लगी हुई थी? देखिए चुनाव होने हैं, ये पहले से काफी कई महीने पहले से तय था और जब कोरोना काल से हम उबर पाए और सामान्य स्थितियां होने लगी तब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में लग गई थी। हमने हर क्षेत्र के प्रभारी बनाए हैं, हर क्षेत्र में मंडलों के प्रभारी बनाए हैं, बूथ तक की संरचना तैयार की है, बूथ तक के कार्यकर्ताओं की बैठकें हुई हैं। हर चुनाव क्षेत्र में हमने पिछले 10, 20, 30 सालों में अलग अलग जो भी कार्यकाल रहा है क्या काम किया है, हमारे प्रतिनिधियों ने क्या काम किया है, जनता को 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या दिया था, पिछले एक साल से क्या काम हुआ है और 15 महीने तक कांग्रेस की सरकार ने किस तरह मध्य प्रदेश को अराजकता में धकेला, ये सारी बातें हमने कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा के बीच रखी हैं। जनता के बीच इन सारी बातों कार्यकर्ता ले जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें मीडिया के मार्फत पहले जनता के सामने हैं। हमको पूरा भरोसा है कि चाहे चुनाव के मुद्दे हों और चाहे संगठनात्मक तैयारी हो, दोनों में हम बहुत आगे हैं। जी हमारे साथ सैयद जफर जी, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, वो उनका भी रुख कर लेते हैं। जी सैयद जफर जी, दीपक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अराजकता जो फैलाई है वो जनता के सामने है, क्या कहेंगे? देखिए अराजकता किस पार्टी ने फैलाई, किस सरकार से प्रदेश के अंदर अराजकता फैली और लोग मायूस है ये जनता जानती है। कोरोना काल के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से गोलियों दवाइयों की कालाबाजारी हुई, किस तरीके से राजधानी भोपाल इंदौर जैसे महानगरों पर अस्पतालों में जगहों के लिए लोग मौत रोड में हो गई, ये बात सारे लोगों के सामने है। आज किसान किस तरीके से परेशान है, क्यों नहीं आप मक्का का समर्थन मूल्य दे पा रहे हो, क्यों आप मंडियों में मक्का को नहीं खरीद पा रहे हो उच्च दामों के अंदर, क्यों आप बिजलियों के दाम लगातार बढ़ा रहे हो, क्यों गरीब किसान को बिजली की बिल लगातार बढ़ रहे हैं, क्यों गरीब लोगों को जो कमलनाथ सरकार में 100 रुपए का बिजली का बिल आता था वो आज 700-800 हजार रुपए आ रहा है। तो लगातार अराजकता का माहौल तो पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने बनाया है और किस तरीके से आदिवासी हरिजनों के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार हुए हैं आपने देखा, उज्जैन में देखा, इंदौर में देखा, मंदसौर में देखा, ये सारी चीजें जनता देख रही है। जनता के हितों के जुड़े हुए मुद्दों पर कमलनाथ सरकार ने 15 महीने काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको पलट कर अराजकता का माहौल बनाया। जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस की परंपरागत बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे। जी देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय से ये तो आशा हम कर नहीं सकते कि वो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी कमलनाथ की जो सरकार है जिसके ऊपर 265 करोड़ से ज्यादा की जो अवैध धन के लेन देन के आरोप है जांच चल रही है, वो ये कहेंगे कमलनाथ जी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनकी सरकार ने अराजकता फैलाई हुई थी और ब्लैक मनी की राजनीति उस समय चल रही थी, ये सब कहेंगे नहीं। कांग्रेस की जो सरकार गई है वो खुद कांग्रेस के विधायक इस बात से आज ही जा गए थे किस तरह का भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने फैला रखा है और इसीलिए कांग्रेस की सरकार चली गई। अब मध्य प्रदेश में पिछले साल भर से ज्यादा समय में वापस हम पटरी को पर लेके आए मध्य प्रदेश को, जो बेहतर गवर्नेंस हम दे रहे हैं उसको जनता देख रही है, जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी समर्पित है, जनता इस बात को समझती है। कांग्रेस को नकारात्मक बातें करनी है वो इन चुनाव के संदर्भ में बात करें तो 2 नवंबर तक नकारात्मक बातें करने के लिए, दावे करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से बहुत बहुमत के साथ जिताने के लिए सामने है और ये 2 नवंबर को साफ हो जाएगा। बिल्कुल 2 नवंबर को नतीजे सामने होंगे और फिर ये बात भी साफ हो जाएगी कि जनता ने किस पर भरोसा किया है। बहुत धन्यवाद आप दोनों राजनीतिक मेहमानों का इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 2 नवंबर को नतीजे सामने होंगे। दोनों ही पार्टियां दमखम से इस दंगल में उतरने वाली हैं, चुनाव के दंगल में, और देखना होगा कि किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं। दोनों ही पार्टियां तैयार हैं। तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बता दें 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 2 नवंबर को नतीजे सामने होंगे, 11 अक्टूबर को नामांकन भरा जाएगा और 13 अक्टूबर को नाम वापसी का आखिरी दिन होगा, उसके बाद 30 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा।